तो गाइस चलते चलते घर पे गया, रेस्ट वेस्ट किया, थोड़ा खाना वाना खा के, और अभी मैं आ चुका हूँ अपने ससुराल यानी कि मनीषा के घर, मनीषा को लेने, मनीषा की विदाई कराने। सबने कहा कि एक दिन के लिए क्यों इसको मायके छोड़ रहा था, मैंने बोला चलो कोई नहीं दो दिन के छोड़ देते हैं। तो अभी दो दिन हो चुका है कम्प्लीट, अभी चलते हैं और वहाँ चल के आपको वहाँ की जो भी सिचुएशन है आपको दिखाएंगे, और बहुत से बहुत दिन बाद मैं और मनीषा साथ दिखेंगे। मैं पहुँच ही गया हूँ घर पे, बस चलो आप लोग बने रहो। तो गाइस मनीषा घर आ चुके हैं, देखो यहाँ पे कौन सा साड़ी पहन लीजिए तू, मम्मी का, मम्मी का हमारा बहुत वो है, मम्मी नया मंगवाई थी इस पे यही वाला पहन ले, नया साड़ी झील का हो गए थे गर्मी से गुस्सा गई थी उधर, यहाँ नहीं गुस्सा हुआ था, हम गए थे मंदिर तो वहाँ गुस्सा आ गया था, मम्मी को भी बोले थे इतना गर्मी में तुम मना करती नहीं आना, मम्मी को भी लेके चले गया था। तो अब आ चुके हैं हम एकदम सेठ की तरह, आराम कर रहे हैं, ससुराल का आनंद ले रहे हैं, और यहाँ पे ये खड़ी है। कैसा लगा तुमको, तो एक अच्छा तुम तो एक दिन के लिए आई थी, दो दिन रुक गई। हम आए थे ना तो कल, पता है क्या कह रही है, हम बोले कि हम आ रहे हैं लेने, तो कह रही है हमको कल जाना है आज नहीं जाना है, हम बोले कि ठीक है तब रुक जाओ कोई बात नहीं है, एक ही बात में मान गए क्योंकि हम न्यूज़ देख लिए थे बाढ़ वाला, हम बोले कि चलो रुका जाए यहाँ पे। अब वैसे अभी मनीषा का रूम जो है ना चारों तरफ से एकदम मस्त डेकोरेट हो गया, फिलहाल इनका चेहरा थोड़ा चमक रहा है, तो पूछते हैं चेहरा चमकने के पीछे क्या कारण है भैया। आज मैं बताती हूँ, कहीं भी जाओ आप तो अपना स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो मायका हो, चाहे ससुराल हो, चाहे कहीं भी हो, अम्बाला हो, चाहे अम्बाला घूमो, चाहे सिवान घूमो, तो स्किन केयर का, स्किन केयर का राज, स्किन केयर का जो होता है ना क्योर स्किन का, ये पैकेट लेके घूमो, जैसा कि अभी हम मायके आए हैं, ये इनका अस्त्र शस्त्र है, एक तो मेकअप वाला अस्त्र शस्त्र, पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रखी, उम्र में लेके आए हैं, देखो तो क्योर स्किन का लेके आइए। इसमें गाइस क्या होता है ना, क्योर स्किन के बारे में आपको बता दूं, क्योर स्किन एक डॉक्टर से डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, जहां पर आप अपने स्किन, फेस या हेयर से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम है ना, तो आप सीधा वन स्टॉप सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब इनका भी स्किन टेस्ट हुआ था, स्किन टेस्ट होने के बाद ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जैसे आप साइड में देख रहे होंगे क्योर स्किन ऐप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फेस को स्कैन किया गया और जो भी प्रॉब्लम्स थे उन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर इंडिकेट किया गया, और उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो ये किट बन के आया, कुछ इस तरीके का किट बन के आया। इसमें क्या क्या है, चार प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हो, एक है आपका फेस वॉश, ये हमारा सेकंड किट है, पहले भी मनीषा एक बार यूज़ की थी और रेगुलर यूज़ करना पड़ता है, हाँ, और ये है सनस्क्रीन जेल, भाई साहब ये तो अस्त्र शस्त्र गर्मियों में, तो आप कहीं भी बाहर जाओ इसको जरूर लगाओ, जो जो पार्ट्स बॉडी ना एक्सपोज होते हैं सन में, हाइड्रेशन जेल, हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, और ये कैरेक्टर इमल जेल जो अंडर आई वगैरह पे लगाना हो, अंडर आई जेल उसमें भी है, डार्क स्पॉट्स आँख के नीचे जो डार्क सर्कल वगैरह आ जाते हैं, तो बहुत हेल्पफुल है। आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपका किट बन के आता है, और जो भी ये किट बनता है ना वो आप सोचो ना, इतने कम पैसे में आप अगर डॉक्टर के पास नॉर्मली जाओ तो जाने आने का खर्चा, डॉक्टर का फीस, कंसल्टेशन, रीविजिट जितनी बार करो, और इसमें क्योर स्किन की सबसे अच्छी बात क्या है, क्या कि डॉक्टर्स हमेशा हर 21 डेज में आपसे खुद फॉलोअप लेंगे कि आप क्या खा रहे हो, पी रहे हो, डाइट चार्ट से लेकर के आपके में क्या क्या इंप्रूवमेंट है, और अगर बीच में इफ इन केस यू फील लाइक कि नहीं मुझे डॉक्टर से बात करना है, तो आप भी यहाँ बात कर सकते हो, और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है क्योर स्किन, है ना। तो मनीषा का चेहरा आप देख सकते हो, तो क्योर स्किन को अपने डेली रूटीन की तरह यूज़ करो, एकदम से एक महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में रिजल्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे टाइम जाएगा आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा, तो चेहरे पे आप इसको कर सकते हो, हेयर के लिए भी अगर आपको कोई इश्यू है तो आप लोग क्योर स्किन कर सकते हो, दोनों मेल और फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे मजे की बात बताऊँ, अगर आप हमारा कूपन कोड ये वाला यूज़ करेंगे ना तो आपको फ्लैट 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, तो देर मत करो फटाफट, अगर आपको स्किन से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप क्योर स्किन पे जाओ और फटाफट वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो उनसे। बाकी अब चलो मनीषा मायके में एकदम मस्त, यहाँ पे खुश है, अब अपना मैं निकाली तो हम बोले कि तुम लेके आई हो क्या यहाँ पे, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं फिलहाल। तो अभी यहाँ पे देखो ये है हीरो हमारे, इनका नाम क्या है, क्या नाम इनका, यस आनंद इनके छोटे भाई का नाम है। सबसे मजे की बात देखो ये कोने में कैसे रखती हैं, देख रहे हो पान समझ के रखती हैं रोटी को, नहीं नहीं खा लेते, तो यहाँ पे रोटी सब्जी खा के जाएगी, आराम से खाओ कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, फिलहाल खाना पीना हो गया, नाश्ता पानी हो चुका है, ये देखो ये कोल्ड ड्रिंक पी रही है खाना खा के, वाह लड़की वाह।
तो यहाँ पर एकदम प्रॉपर लाइटिंग वगैरह का जुगाड़ किया हुआ है कि किसी को वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो कर्टेंस वगैरह लगे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाकी अब चलते हैं हम लोग घर भी, क्योंकि वहाँ जाके पैकिंग भी करना है हम लोग को, अब अंबाला के लिए भी निकलना है। तो होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में आपको अंबाला वाला पार्ट दिख जाएगा। बहुत सारा कुछ करना है अभी हम लोग को, खाना पीना भी बनेगा ताकि हम लोग जल्दी से निकले। और आप लोग इन्जॉय करना व्लॉग को, आने वाले व्लॉग्स भी बहुत मज़ेदार होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। घर में घर जाके आपको गिफ्ट अनबॉक्सिंग वगैरह सब दिखाऊंगा, फिर जो भी चीज़ें वो आपको दिखाएंगे, आप लोग बने रहो। तो गाइस अब देखिए, खोइचा दिया है क्या शाम को? कॉलेज से यार आया था अब यहाँ। अच्छा खोइचा ऐसा कॉलेज निकला गया था, तो काहे नहीं बोली कॉलेज लेके चल जाते, पहले बताना चाहिए था ना। अरे यहाँ पे खोइचा वाला रिवाज है, शाम हो गया ऐसे। अरे यहाँ पे जो भी रिवाज होता है वो रिवाज के अनुसार यहाँ पे खोइचा भरा जा रहा है। लेकिन अब मनीषा अच्छी हो गई, पहले बहुत रोती थी, अब नहीं रोती है, अब समझदार हो गई है, नहीं तो पहले समझदार नहीं थी, पहले खाली भें भें करना होता था। चलो हो गया ना, अब यहाँ पे एकदम मस्त टीवी भी का आवाज़ आ रहा है, एक टीवी इधर से एक टीवी उधर से। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा रख लेगी और बाकी लेके जाएगी, बढ़िया से चावल बना के खा लेना खीर। चलो अब फिर आया जाएगा जल्दी, ठीक। सब ठीक फट जाएगा। तो मनीषा की आंटी जो है वो सब्सक्राइबर है, पैसा ही समझ दीजिए। आए बाप, ठीक है कल लेके जाएंगे, रहो छोड़ दें। तो इसीलिए तो कॉल ही आने वाले थे, तो कही कि आज रहेंगे, तो हम बोले ठीक है तब कॉल आएंगे, रहो। चलो तब तुम रो लो अच्छे से, कल आएंगे ले जाने। अरे अरे अब मेकअप वा हो गया। तो काहे रोती है, तुमको दुख तकलीफ है क्या जी वहाँ पे? आदत है, इमोशनल हो जाता है लोग। तुम लोग भी रोएगी ना जी? हैं नहीं रोएगी तो कुहरी पहले ही नहीं रोएंगे भाई, सब नहीं रोएगी कुहरी है। लव वीडियो बना ऐसे रख, चलिए ठीक है सब लोग। हाय ना रखा है लगी ठीक है, चल पत्ता लाएंगे जाएंगे में पराई को जाएगा, चल जाएंगे चल चल घर निकलना हम वाला, रोज एक और दिन लेट करा लीजिए, तीन दिन हो गया है ना, क्लास छूट रहा है। चलो चल चलो जितेंद्र चाचा बाय बाय कर रहे हैं। हाँ चलिए हो गया, ठीक चलो। बैठो
है? अच्छा हम गाड़ी में सबको पैसा देने का टाइम है। बता रहा है ये इधर से बाइक कर रही है, कर दो बाइक। अब दिख रहा होगा इधर से सब लोग बाइक कर रहे हैं। ठीक है बाय, चलो। तो गाइस अभी हम लोग सिवान पहुंच चुके हैं और सिवान पहुंचने के बाद एक अलग सौंदर्य यहाँ पे रोड का, आज ही ये लगा है सारा तिरंगा कलर ट्राई कलर्स में। देख सकते हैं लाइट भी नहीं जलता था यहाँ पे, ऐसी गाड़ी मुड़ जाती है। लाइट भी आज ही जला है। हाँ आज ही लगा, आज ही जल गया। पहले ये जलता था। अरे अभी आज ही लगा, आज जल गया। हमारे थे ना तुमको लेने, तो लगा रहा था सब। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंची है मनीषा? ससुराल वाली रोड पे। और रोड पे आते साथ ही अपने सिर पे पल्लू रख लिया, क्योंकि यहाँ के अनुसार मनीषा यहाँ पे रहती है, जहाँ रहो वहाँ के भेस में रहती है, है ना। तो अभी ड्राइव करते करते हो चुका है लगभग आधा घंटा, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा था तो टाइम लग जाता है। बाकी अब थोड़ी देर में हम लोग घर पहुँच जाएँगे और वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं कैसे इनका वेलकम हो रहा है। वैसे मैंने बोल दिया कि जाते जाते थोड़ा सा आराम करके खाना पीना बना लेना सुबह के लिए, क्योंकि हम लोग को कल ट्रैवल भी करना है ना। तो बस चलो हम घर जाते जाते मुझे खाना भी बनाना है। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर, गाड़ी लग चुकी है। इनका अटैची देखिए, सब लोग का अटैची अलग होता है। इनका सूटकेस देखिए, मेकअप वाला सूटकेस। चलो मम्मी का फोन आ गया मनीषा की कि पहुंची कि नहीं। सबसे पहले तो सिमी सब्जी की खुशबू आ रहा है, पहले लाइट लगाया है, अभी लगाया है वो ना लंबा ट्यूबलाइट लगाया। तो आज मम्मी सब्जी बना रही है, खीर भी। यहाँ पे लाइट भी लग गया, वाह। तो इस लाइटों से गर्मी नहीं हो रहा है? अच्छा वीडियो बनाने में आसान हो जाएगा। तो एग्जॉस्ट फैन चला लीजिए। कभी कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा। चला दीजिए पहले। वो थोड़ी है, हाई है, दो नंबर। दाल भर के पूरी खीर सब्जी। पापा का मन कर रहा था परसों में से बोल रहा था, हम सोचे कि बन जाएगा तो फिर सोचेंगे तुम्हारे ये तो बना से कर। चलिए गाइस अब ये उठ चुके हैं, खुश रहो खुश रहो। पर ये मेरा पैर चाट रही है सिमी। What is this लड्डू? वो देखो चॉकलेट दे रहे मामू। लड्डू what is this? आ गई मामी। चॉकलेट मामी। You want chocolate? You want this? Chocolate. Thank you. Thank you. Kulia. Ah. Kul dijiye. Princess ki malish ho rahi hai. अच्छा जो बीन में बोले थे मम्मी के साथ। सो गाइस फाइनली वक्त हो चुका है डिनर का। डिनर में देखो खीर पूड़ी और सब्जी, और ये है दाल का पानी शायद। अभी मस्त खाते हैं डिनर। और आप लोग भी ब्लॉग को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले। अगले ब्लॉग में आप लोगों को होपफुली यहाँ से विदाई दिखेगी, होपफुली। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप यू लव द ब्लॉग। बाय बाय। जय।